तो आइए हम जानते हैं कि केला को लगाने में और केला को वृक्षारोपण करने में और फसल उगाने में कितना से कितना समय लगता है, और इसका सेवा जतन किस तरीके से किया जाता है, और इसका फल हमें कितना फायदेमंद है, और जो भी है हम हमारे सामने हमारे खेती किसानी एकदम कार्यवाहन जुटने वाले व्यक्ति, खेत से जुड़े वाले किसान भाई हमारे पवन चौहान जी हैं, उनसे हम दो तीन विशेष बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्ते पवन भाई। नमस्कार नमस्कार। पवन भाई, हम ये जानना चाहेंगे कि ये केले के पेड़ की खेती किस प्रकार होती है और कितने से कितना समय लगता है उसे वृक्ष को बड़ा होने में और फल देने में। देखो, जैसे अपन ये खेत है, खेत का बेड़ बनाए पहले तो इसका लंबा, और इसका मतलब चौड़ाई इसका 7-8 फीट के आसपास है, 7 से 8 फीट चौड़ाई रख सकते हो, और पेड़ 2 फीट 2 फीट 4 फीट अपने हिसाब से देख सकते हो। अगर 8 फीट है तो 3 फीट करो, और अगर 6 फीट है तो 4 फीट 5 फीट पौधा करो। और ये पौधा देख लीजिए, अभी 6 महीने के ग्रोथ में हो चुका पौधा। ये पौधा 6 महीने के आसपास ग्रोथ है, ये फरवरी सॉरी मार्च के आसपास का पौधा इसमें वो है, और इसको लगभग लगभग 11 साढ़े 11 महीने में हार्वेस्टिंग मतलब केला निकल तक खाम निकल जाती बाहर, है ना। और इसमें डबल ड्रिप है, देख लीजिए ड्रिप, इसमें डबल ड्रिप लगाए हुए हैं अपन, है ना। इसे इसका क्या बोलते हैं, बीज कितने रुपए में आता है? नहीं, इसका बीज नहीं आता, इसका नर्सरी आता है छोटा सा। अच्छा इसका जैसे ये कंसा है ना, इससे भी छोटा आता है, नर्सरी आती है इसकी, इतनी जी छोटी नर्सरी आती है, वो नर्सरी लगा सकते हो, खातू डाल के डीपी वगैरह डाल के जी थोड़ा सा, तो और गोबर ये का। पेड़ को बड़ा होने में और फल देने में कम से कम कितने दिन लग जाते हैं? इसको लगभग 11 से 12 महीने लग जाएंगे लगभग इसके पौधे को प्रॉपर होने में, प्रॉपर कटिंग भी हो जाएगी 12 महीने। और इसमें आपकी मेहनत कितनी लगती है? अब देखो, मेहनत तो इसमें लेबर की चार्जिंग में बहुत लगती है, पर पैसा भी इसमें ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसमें पैसा भी। हाँ और इसमें यह है कि किसान को मतलब एकड़ में 2 लाख 3 लाख के हिसाब से अगर रेट अच्छा रहा तो 4 लाख ही बच जाता है एकड़ पीछे, इसका खर्चा पानी काट के। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या बोलते, केला का पत्ते, केला के पेड़ और केला का फल में क्या फायदा है? केले के अंदर फायदा ये है, केले में बहुत ज़्यादा मिनरल मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व तो होते हैं। केले के बारे में तो देखो ज़्यादा अपन को जानकारी नहीं है, डॉक्टर लोग बताएंगे, पर ये है कि इसको गरीब का फल भी कहा जाता है इसको, और अमीर का सबका फल है ये, जो सब लोग खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसको गरीब लोग नहीं खाते, अधिकतर तो गरीब लोगों के पास बेचारे के पास पैसा नहीं होता तो उन लोग भी खा सकते हैं। और पौधे भी काफ़ी ठीक ठाक है, देख सकते हो आप, तो दिखा देंगे आपको किसान भाई। नहीं तो चलो, अब हम ये जानेंगे कि जो हमारे साथ जो व्यक्ति हैं पवन चौहान जी, इन्हें कितने साल से खेती किसानी कर रहे हैं और वह किस प्रकार प्रकार के अनाज फल फूल उगाए हैं। तो पवन भैया, आपको कितना साल हो गया खेती किसानी करते हुए? देखो, मेरे जो दादा थे वो भी खेती किसानी करते थे, मेरे पिताजी भी खेती किसानी करते थे, मैं भी खेती किसानी करता हूँ, तो काफ़ी लंबा अनुभव हमको खेती किसानी में। रही बात केले की, तो केला देखो लगाने में इसमें काफ़ी अच्छा है, ये है कि एक बार लगा तो 3 साल कम से कम फुर्सत रहते किसान को, और थोड़ा सा खर्चा इसमें शुरू साल खर्चा एक्स्ट्रा आता है, ड्रिप वगैरह लेवलिंग वगैरह बहुत सारे थोड़े से रहते हैं खर्चे, उसके बाद फिर काफ़ी खर्चा आधे तक कम हो जाता है आगे। देख सकते किसान भाइयों, ये पानी पूरा चला हुआ है ड्रिप में।